साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। आगरा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर परीक्षा में नहीं रुक रही नकल, आधे केंद्रों पर पूरे टाइम तो कुछ पर आधे घंटे के लिए बंद हो रहे कैमरे। जल्द खत्म होगा किसानों और शिव नडार का विवाद, ग्रेटर नोएडा में प्लांट के रास्ते के लिए किसान। मुरादाबाद में प्रोफेसर की पत्नी से चेन लूटी, आर्यन के पास बाइकर्स गैंग ने झपट्टा मार कर तोड़ी चेन, कई घटनाओं की तो एफआईआर ही नहीं लिखी। सीतापुर में कैबिनेट मंत्री सहित 3 मंत्री करेंगे समीक्षा बैठक, विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर भेजेंगे रिपोर्ट। सोनभद्र में ओबरा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, एक घटना में जीजा साले, दूसरी में रसोइये की हुई मौत। बदायूं के 2 युवक शाहजहांपुर पुलिस ने किए गिरफ्तार, खंडहर से बरामद की चोरी की 14 बाइकें, बाइकों को काट कर पुर्जे दूसरी बाइक में लगाते थे। कौशाम्बी में एक दर्जन लोग संक्रमक रोग की चपेट में, नगर पालिका भरवारी में गंदगी से फैली बीमारी, अधिकारी बोले हमें जानकारी ही नहीं। सहारनपुर के ढिक्का टपरी गांव में बिजली अधिकारियों को बनाया बंधक, 50 लाख रुपए के बकाए पर लाइट काटने गए थे, 2 घंटे बाद छोड़ा। एसीएस अमित मोहन प्रसाद का तबादला, ब्रजेश पाठक ने की थी तैनाती, ट्रांसफर को लेकर किए गए थे जवाब तलब। पांच साल की हथनी ने तोड़ा दम, लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क में डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में चल रहा इलाज, 3 महीने से थी बीमार। सहारनपुर में दोस्तों के साथ नहाने गया युवक यमुना में डूबा, देर रात तक युवक की तलाश करती रही गाजियाबाद एनडीआरएफ। बहराइच में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या, पेट और गले पर किए गए कई वार, जेल में बंद है दुष्कर्मी, सुलह करने का बना रहे थे दबाव। मुजफ्फरनगर में टोना टोटके का आरोप लगा पथराव, दहशत में परिवार, पथराव का वीडियो हुआ वायरल। चंदौली में एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर अभियान शुरू, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों को करेंगे चिन्हित। बदायूं में बाक्यू स्वराज का आंदोलन, दरोगा सिपाहियों पर मुकदमा, देर रात कादर चौक थाने में सामने लगाया जाम। मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन, सर्वाइकल कैंसर के बारे में दी गई जानकारी, लोगों को किया गया जागरूक। गोंडा में सराफा व्यापारी से लूट, 2 बाइक सवार बदमाशों ने असलहे की नोक पर 5 लाख लूटे, जांच के लिए टीम गठित। रायबरेली में घर में घुसा ट्रक, युवक की मौत, बिजली का खंभा तोड़ते हुए घर में घुस गया, दरवाजे पर सो रहा था युवक। हमीरपुर में बाढ़ के बाद हर जगह तबाही का मंजर, सैकड़ों घर जमींदोज, साल भर का राशन भी पानी में डूबा। सुल्तानपुर प्रयागराज के प्राइमरी स्कूल में बंधे पशु, आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कसा तंज।
वाराणसी में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। भदोही से आए बदमाशों ने मां बेटी के हथौड़े और रॉड से की थी हत्या। आरोपी को लेन देन कर छोड़ने में 5 पर गिरी गाज। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने फाउंड्री नामक चौकी इंचार्ज और मुख्य आरक्षी को किया निलंबित। उन्नाव के उभाव में चोरों ने 4 लाख के जेवरात किए पार। खिड़की का ग्रिल काट कर घर में घुसे, पुलिस कर रही तलाश। रामपुर पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल निलंबित। गलत हरकतों के चलते पीटा था जनता ने, हुआ था वीडियो वायरल। भदोही में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की शराब बरामद, सीसीटीवी का मॉनिटरिंग भी मिला। हरदोई में 2 कांस्टेबल लाइन हाजिर, प्रधान को किया था गिरफ्तार। पेड़ काटने का था पूरा मामला। बागपत में गोली लगने से 1 किसान की मौत। 2 लोगों पर दबंगों ने की थी फायरिंग, ट्यूबवेल पर बैठे थे दोनों। पूर्व विधायक की हत्या के लिए 25 लाख की सुपारी। अलीगढ़ में भाजपा चेयरमैन समेत 4 अरेस्ट। बुलंदशहर से बुलाए गए थे शूटर। बाराबंकी में चौकीदार दंपति पर डीजल डालकर जिंदा जलाया। पति ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, पत्नी का गंभीर हालत में इलाज चल रहा। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एफआईआर। हजरतगंज में करोड़ों की जमीन पर बिल्डर को करा दिया कब्जा, पीड़ित को दे रहे धमकी। अलीगढ़ एएमयू में 11 जियोलॉजी के छात्रों ने जियो साइंटिस्ट मेंस की परीक्षा की पास। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों में तनवीर अहमद शामिल। औरैया में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में वायरल होने के बाद उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। बलरामपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, लंबित विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बरेली में फर्जी निकला छात्र के अपहरण का मामला, खुद चलकर पहुंच गया दूसरे स्कूल। औरैया में बाइक पर बैठे युवकों ने तमंचा हाथों में लिए हुए, इंस्टाग्राम रील बनाते हुए वीडियो वायरल। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बलिया नगर पालिका ईओ सत्यप्रकाश सिंह की करतूत आई सामने। ग्रामीणों ने किया विरोध तो ईओ ने ग्रामीणों से अभद्रता कर हड़काया। बिजनौर में सीएम के दौरों को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। डीएम व एसपी ने मेडिकल कॉलेज और नवनिर्मित कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग का किया निरीक्षण। देवरिया पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन, 1 हफ्ते के अंदर 3 अपराधियों के घर कुर्की। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खलबली। बिजनौर पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेश कुमार कश्यप। कश्यप समाज की महिलाओं ने मंत्री की गाड़ी का किया घेराव। गाजियाबाद के विद्यालय में फूड पॉइजन का शिकार हुए बच्चे, सभी बच्चों का अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद के सेवराई तहसील में एक बड़ा नौहार। सच है कि मौत, एक लापता। हादसे में मृत परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा।
हरदोई में मोहित डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन, गांव में मचा हड़कंप। कानपुर में सियाराम धाम के अंदर गंभीर हालात में घायल अवस्था में मिला साधु, आनन फानन में परिजनों अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे कोटेदार पर प्रशासन की कार्रवाई, लगेगा भारी जुर्माना। कानपुर के एचबीटीयू में प्रोफेसर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, एमबीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने लगाया आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हरदोई में चोरी से पेड़ काटने को विवाद में प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, किसानों ने विरोध कोतवाली का किया घेराव। लखीमपुर खीरी में लकड़ी का कटान कर रहे मजदूर की मौत, मजदूर की मौत से परिवार में मचा कोहराम। संबल में गंगावास के जंगल में दिखा अजगर, अजगर का वीडियो हुआ वायरल, ग्रामीण में दहशत। अंबेडकर नगर में पुलिस व स्वॉट टीम को मिली बड़ी सफलता, संयुक्त टीम ने दो शातिर चोर को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में चाकू से वार कर युवक की हत्या, मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में मादक पदार्थ सप्लाई करने वालों का प्रशासन का सिकंजा, पुलिस ने 40 लाख की मॉर्फिन के साथ दो शातिर को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में अज्ञात चोरों ने घर में सेन लगाकर लाखों पर किया हाथ साफ, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा भाजपा शिक्षा की उपेक्षा बंद करे। उन्नाव में पीएम आवास को लेकर दर दर भटक रहा भूमिहीन गरीब दिव्यांग, गरीब दिव्यांग ने सीएम से लेकर डीएम से 6 माह से 5 बार आवास की। लखनऊ में यूपीएसएफ ने संभाली लोक भवन की सुरक्षा, फोर्स को दिया गया गिरफ्तारी का अधिकार। उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 1400 लीटर अल्कोहल के शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। अमेठी में वरिष्ठ समाज सेवी लाल प्रताप सिंह अपने मांग को लेकर धरने पर बैठे, धरने को खत्म करवाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे उपजिला अधिकारी। उन्नाव साइकिल सवार मजदूर को रोडवेज बस ने मारी टक्कर, टक्कर से मजदूर की मौके पर हुई मौत, गुस्साए परिजनों ने किया रोड जाम। बिजनौर में प्रेमी के लिए 6 महीने के बच्चे की मौत, पति दुबई में, प्रेमी ने कहा बच्चे को नहीं ले जाऊंगा। उन्नाव में ऑनलाइन मूर्ति मंगवा खेत में दवाई, भक्तों की भीड़ लगी, 500 साल पुरानी बताया, ग्रामीण करने लगे पूजा। सांसद वरुण गांधी ने किया ट्वीट, लिखा पहले 5 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर युवाओं में रोजगार की दर, संघर्षशील युवा कब तक करेंगे इंतजार। झांसी में बेटी के जन्मदिन पर पिता ने किया सुइसाइड, मनमुटाव के चलते 10 माह से मायके में थी पत्नी, बेटी से बात ना होने पर तनाव में था।
जौनपुर के मड़ियाऊ में मोबाइल चोरों को ग्रामीणों ने पीटा, जिसने सुना उसने लात घूसों से पीटा, किया पुलिस के हवाले। नौकरी का फर्जी आईडी कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर थमाया, इटावा सफाई पार्क, नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस जांच में जुटी। साध्वी निरंजन ज्योति ने राहत शिविर का किया निरीक्षण, हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री बोली, बाढ़ से बर्बाद हुई फसल और घर गिरने का मिलेगा मुआवजा। दतियाना में शमशान भूमि पर पानी की टंकी का विरोध, मुजफ्फरनगर में दलित समाज के लोगों ने ग्राम प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। जेल का निरीक्षण करने पहुंचे डीएस एसएसपी प्रभारी मंत्री, शुक्रवार को आएंगे अलीगढ़, दो दिन तक जिले की व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। पुरियोसर पर्व पर जैन मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम, ललितपुर से 29वें श्रावक संस्कार शिविर में मुनि सुधा सागर महाराज ने दिया संदेश। ग्रेटर नोएडा में मिला एक अज्ञात शव, नाले में पड़ा हुआ था 50 वर्षीय व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। जालौन में महिला ने फांसी लगा कर दी जान, बीमारी से थी परेशान, इलाज के बाद भी नहीं हो रहा था सुधार, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कन्नौज सड़क हादसे में एक परिवार के तीन लोग घायल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, टेम्पू ट्रेवलर ने पीछे से घुसी कार। कौशाम्बी में लहूलुहान हालत में खेत में मिली किशोरी, शरीर पर 8 जगहों पर चाकू से हमले के निशान, बोली प्रेमी ने की हत्या की कोशिश। हापुड़ पहुंचे अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे, लंपी बीमारी को लेकर की समीक्षा, 50,000 लगेगी वैक्सीन। बलरामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक की मौत, राप्ती नदी से बालू भरकर जा रहा था ट्रैक्टर, पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निकलवाया। ललितपुर में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, पुनर्वास और अनुदान दिलाने की मांग, जिले में बिना परमिशन प्रदर्शन पर है रोक। फिलहाल 75 जिले की 75 खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।